How to fix Paytm can't add bank account problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम Paytm के अंदर पे बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जाते हैं, तो हमें बताते हैं कि वी कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट इन एक्सिस बैंक विथ योर मोबाइल नंबर, या फिर कोई भी बैंक हो, ठीक है, उसमें अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ जाते हैं, तो दोस्तों कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है किस तरीके का प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का कोई भी इशू आ जाते हैं बैंक अकाउंट ऐड करते वक्त, फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर यह प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे पेटीएम पर जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक्सिस बैंक ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है। तो पहले जो था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा था कि बैंक अकाउंट जो है मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये जो है दोस्तों किस वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है वो दोस्तों या तो फिर आपके मोबाइल पे है या फिर दूसरे मोबाइल पे, ठीक है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वी कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट इन एक्सिस बैंक विद योर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, या तो फिर आपके नंबर पे प्रॉब्लम है, या तो फिर आपके पेटीएम पे प्रॉब्लम है, या तो फिर आपके बैंक पे प्रॉब्लम है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे आसान तरीका। आप एक बार अपने एक्सिस बैंक पे चेक कीजिए कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर उस बैंक पे रजिस्टर्ड है, और उस बैंक पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आप पेटीएम को रजिस्टर्ड कीजिए, और रजिस्टर्ड करने के बाद उस नंबर को मोबाइल पे एंटर भी करके रखिए। उसके बाद बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए जाएंगे आप, तो सक्सेसफुली आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अगर शॉर्ट में कहे तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो नंबर है, जो बैंक पे दिया हुआ है, वो नंबर अभी फ़िलहाल आपके पास नहीं है, आपके मोबाइल पे नहीं है, तो दोस्तों आप रजिस्टर नहीं कर सकते, आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर बैंक पे आपने दिया है उस नंबर को आपने मोबाइल पे एंटर करें, मोबाइल पे एंटर करने के बाद में दोस्तों आप बैंक अकाउंट जो है लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट लिंक टू मोबाइल नंबर, ये बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इस नंबर पर जो है बैंक अकाउंट अगर नहीं है आपका तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो एक बार बैंक पे जाइए, मोबाइल नंबर को भी अपडेट कीजिए। अगर आपके बैंक पे मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, बैंक पे जाइए, बात कीजिए कोई काउंटर पे, और आपका नंबर जो है दोबारा से अपडेट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आइए पेटीएम पर, पेटीएम पर आने के बाद लिंक बैंक अकाउंट पर जाइए, और जो भी बैंक पर आपका अकाउंट है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक डिटेक्शन के थ्रू आपका बैंक को पकड़ लिया जाएगा, आपका बैंक को कैच कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, एंड देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।